आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्टर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में जो हम कंडक्टर्स काम में लेते हैं, उन कंडक्टर्स में ट्रांसमिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से कुछ गुण होने चाहिए। उन गुणों में हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबिलिटी। क्योंकि ये सब चीज़ें, लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबिलिटी, इन सब से ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम होगी। और अगर ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम होती है तो हम निश्चित रूप से अपने उपभोक्ता को सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। जो सामान्यतः हम कंडक्टर्स को यूज करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, वो निम्न प्रकार के होते हैं। मटेरियल वाइज अगर हम उनको देखें तो कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील कॉर्ड कंडक्टर, गैल्वेनाइज कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर, इन कंडक्टर्स। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में कंडक्टर्स के मटेरियल नहीं है। कंडक्टर का मटेरियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे लिए अभी हम जिन आधार पर कंडक्टर को क्लासिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसकी बनावट के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो बनावट या कंस्ट्रक्शन के आधार पर कंडक्टर को हम तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर। जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो इसके नाम में जैसे लिखा है कि ये सॉलिड होगा, और सॉलिड होने के कारण इसकी जो कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। सॉलिड राउंड कंडक्टर होता है क्योंकि जब ये सॉलिड होता है तो इसमें वॉल्यूम कंपेरेटिवली इसका थोड़ा कम होता है। वॉल्यूम कम होने से इसकी कॉस्ट कम होती है और साथ के साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि कंडक्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो राउंड कंडक्टर को बनाना सबसे आसान है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है उसका, इसलिए उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन जो सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इस डिसएडवांटेज की भी हम बात करेंगे। एक तो कंडक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, सॉलिड कंडक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब भी हम इसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए काम में लेते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के जिन इंसुलेटर्स के साथ हम इसको लगाते हैं वहाँ उन एंड पे इसके ब्रेक समय के साथ विंड की वजह से जो कंडक्टर में हल्का सा कैटनरी बनती है, उस कैटनरी की वजह से सेक के कारण कंडक्टर झूलता है, और झूलने के कारण कंडक्टर समय के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे एंड पे इस कंडक्टर के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्रेक हो जाता है। साथ में एक तकनीकी बात यह है कि चूँकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी वायर्स और कंडक्टर्स को काम में लेते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम स्टैंडर्ड वायर गेज के अनुसार करते हैं, और स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, जैसे जैसे गेज का साइज़ कम होता जाता है वैसे वैसे कंडक्टर का डायमीटर या वायर का डायमीटर बढ़ता जाता है। हमारे पास जो सबसे छोटा कंडक्टर होता है वो 0 गेज का होता है, 70 गेज का होता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 1/2 इंच के आसपास होता है। तो 1/2 इंच होता है, उस 1/2 इंच से छोटी साइज़ के 1/2 इंच से बड़ा कंडक्टर हम इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार बना नहीं पाते। तो इसलिए जब भी हम कंडक्टर की साइज़ की बात करते हैं या उससे अगर हमारे को ज़्यादा करंट को हैंडल करना पड़ता है तो हमारे को कोई दूसरे व्हीकल पर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो सॉलिड कंडक्टर की प्रॉब्लम है वो है उसकी लो फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद जो अगली कैटेगरी का जो कंडक्टर है वो कंडक्टर जो है वो होलो कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो एसी ट्रांसमिशन लाइन में, एक प्रॉब्लम ये भी है कि सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट अधिक होता है। चूँकि हम जानते हैं कि एसी ट्रांसमिशन में कंडक्टर में स्किन इफेक्ट के कारण टेंडेंसी होती है कि कंडक्टर सरफेस पर ट्रेवल करने की कोशिश करता है, और 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग 92% करंट, टोटल करंट का जो होता है उसका 95% करंट आउटर 8% सरफेस पर ट्रेवल करता है या लेयर में ट्रेवल करता है, और जो भीतर का उसका अंदर का 92% एरिया है वो 92% एरिया करीब करीब अनयूज्ड हो जाता है, अनयूज्ड रहता है या अंडर यूज्ड रहता है। ऐसी परिस्थिति में कंडक्टर का इफेक्टिवली डायमीटर कम हो जाता है, और इफेक्टिव या यूजफुल डायमीटर कम होने के कारण कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इस कारण से भी हमारे को सॉलिड कंडक्टर ज़्यादा ट्रांसमिशन में काम नहीं आता। अब अगली बात करते हैं होलो कंडक्टर की। होलो सॉलिड कंडक्टर में हमने पाया था कि सॉलिड कंडक्टर की
अंदर का जो पोर्शन था वो स्किन इफेक्ट के कारण काम नहीं आता था, तो हमने उसकी कॉस्ट को कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर के मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश की ताकि वो मटेरियल कॉस्ट सेविंग हो जाए। किंतु उससे कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई, और उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के कम हो जाने के कारण उस कंडक्टर की उपयोगिता उतनी नहीं रही। हालांकि इसका एडवांटेज ये रहा कि उसका वॉल्यूम कम होने से कॉस्ट कम हो गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मटेरियल वाइज तो कम हुई, किंतु उसका जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके भी डिसएडवांटेज है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगेन और कम हो गई, क्योंकि इस अंदर से जो कंडक्टर था वो होलो हो गया, होलो होने से कंडक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। ट्रांसपोर्टेशन में इसके साथ रिस्क बढ़ गई, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कहीं भी अगर इस कंडक्टर में कोई बेंड आ जाता है तो उस बेंड आ जाने के कारण उस जगह पर लोकली उसका रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। उस रेसिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल होल स्पॉट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और उस लोकल होल स्पॉट के कारण कंडक्टर वहाँ से ज़्यादा तेज़ी से हीटअप होगा और कंडक्टर वहाँ गर्म होकर वहाँ से कंडक्टर ब्रेक होगा, डैमेज होगा। इसलिए होलो कंडक्टर्स भी हम ट्रांसमिशन में सामान्यतया काम में कम नहीं लेते, केवल स्पेशल पर्पज के लिए जहाँ हमारे को गैस फिल्ड ट्रांसमिशन लाइन कुछ पर्टिकुलर छोटे स्पान के लिए हम जहाँ काम में लेना चाहते हैं वहाँ हम गैस फिल्ड कंडक्टर्स के लिए इसको काम में लेते हैं, ताकि कंडक्टर की कूलिंग बनी रहे और हम अपना ट्रांसमिशन का कार्य पूरा कर सकें। अगली जो कंडक्टर की कैटेगरी है वो कैटेगरी है स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर को अब तक हमने सॉलिड कंडक्टर और होलो कंडक्टर दोनों की जो हमने बात की, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी फ्लेक्सिबिलिटी की। कंडक्टर के जो सबसे बड़ा आवश्यक गुण है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण हमने जो नेक्स्ट कंडक्टर जो बनाया उसमें हमने कंडक्टर को बजाय एक सिंपल कास्टेड करने के लिए हमने उसको अलग अलग कंडक्टर्स को बंच बना दिया, और उस बंच को हमने आपस में अलग अलग कंडक्टर्स को हमने एक सेंटर कंडक्टर होता है, एक हो सकता है एक से अधिक भी सेंटर कंडक्टर हो सकते हैं, और उसके बाद लेयर्स होती है, उस लेयर्स में कंडक्टर में अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेयर में अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो कंडक्टर मान लो सेंटर कंडक्टर, उस सेंटर कंडक्टर में एक कंडक्टर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होगी उस फर्स्ट लेयर में 6 कंडक्टर होंगे, क्योंकि उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे 3n ब्रैकेट n प्लस 1 होगा, प्लस 1 जो बाद में ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 है वो सेंटर कंडक्टर को इंडिकेट करता है, यानी और जो n है वो नंबर ऑफ लेयर है, यानी कि फर्स्ट जो लेयर होगी उस फर्स्ट लेयर में 3n n प्लस 1 के हिसाब से 6 कंडक्टर होंगे, जो सेकेंड लेयर होगी उसमें 3n n प्लस के हिसाब से 18 कंडक्टर होंगे, जो थर्ड होगी उसमें जो कंडक्टर होंगे वो 36 कंडक्टर होंगे, एंड सो ऑन इसी प्रकार से। और इफेक्टिवली जो कंडक्टर का डायमीटर है इफेक्ट स्टैंडर्ड कंडक्टर का, वो डायमीटर 2n प्लस 1 इंटू डी से दिया जाता है, या डी कंडक्टर एक सिंगल स्ट्रैंड का डायमीटर है। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उस स्टैंडर्ड कंडक्टर का एडवांटेज हमारे को ये मिलता है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि हमने इसका अंदर का जो सेंटर कंडक्टर है वो आवश्यकता, क्योंकि सेंटर में किसी प्रकार का करंट कम फ्लो होता है, तो करंट के कम फ्लो होने के कारण अंदर जो मटेरियल हमने काम में लिया वो इस प्रकार का मटेरियल काम में लिया जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बाहर हमने ऐसा मटेरियल काम में लिया जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अंदर हमने जो कंडक्टर काम में लेते हैं उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रखते हैं, तो इससे और साथ में जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर को सिंगल लगने की जगह हमने मल्टीपल कंडक्टर्स को काम में लिया, उन मल्टीपल कंडक्टर्स को काम में लेने में चूंकि कंडक्टर को फिर हम एक दूसरे के साथ होल्ड कैसे रखें, या तो हम उसकी क्लिपिंग करें, क्लिपिंग करने से कंडक्टर के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है और कई तरीके की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो क्लिपिंग की जगह कंडक्टर को ट्विस्ट कर दिया जाता है, उस ट्विस्ट करने से कंडक्टर एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। हालांकि ट्विस्ट करने से हम कंडक्टर की इफेक्टिवली लेंथ बढ़ जाती है, और ये एक ऑब्जर्व किया गया है कि कंडक्टर की इफेक्टिवली लेंथ 5% के आसपास बढ़ जाती है, किंतु फिर भी हम ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में ACSR कंडक्टर ही काम में लेते हैं। ACSR कंडक्टर जो हम काम में लेते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में वो दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर हम जो काम में लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स कहलाता है, जिसको कि हम ट्रांसमिशन पर्पज के लिए काम में लेते हैं, और दूसरा होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर AA, ये कंडक्टर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में थ्रू आउट द लेंथ करंट की वैल्यू लगातार बदलती रहती है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है, इसलिए ट्रांसमिशन में हम ACSR कंडक्टर काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे को हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें स्पान कम होता है, स्पान कम होने के कारण हमारे को कंपेरेटिवली कम टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, और कंडक्टर में करंट की वैल्यू लगातार बदलती है, इसलिए हम ट्रांसमिशन में ACSR और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर को हम काम में लेते हैं।
ये लेक्चर आपके लिए लाभकारी रहा होगा निश्चित रूप से। धन्यवाद।